लास्ट वीडियो में आपने देखा कॉपी कट एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम सीखने वाले हैं पेस्ट ऑब्जेक्ट विथ सेम कोऑर्डिनेट, पेस्ट स्पेशियल एंड पेस्ट एज ए ब्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम कर देते हैं कॉपी। इसको मैंने हमने कर दिया कॉपी, ओके एंटर। और इसके बाद दूसरी सीट में आपको ले जाना है, तो दूसरी सीट ओपन कीजिए और वहाँ पर कर दीजिए कंट्रोल वी, ओके। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और चेयर है, वही आपको जो इसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वही आपको वहाँ पे चाहिए, ओके। तो इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी कॉपी एंटर और दूसरी सीट में ले जाता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए क्या ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया है, ओके। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ओरिजिनल फाइल में जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वही कोऑर्डिनेट वैल्यू दूसरी फाइल में आ जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है या नहीं है। आईडी एंटर स्पेसिफाई पॉइंट, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है 73 और वाई कोऑर्डिनेट है 198। तो चलिए दूसरी फाइल में जाते हैं जहाँ पे हमने पेस्ट किया था। आईडी एंटर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे दी है, एक्स में 73 और वाई में 198। तो एक फाइल में आपकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है एक्स वाई जेड और वही कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको दूसरी फाइल में चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड में से कर सकते हो पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ओके फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अभी वो सिंगल सिंगल है, तो आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है इसको। तो ब्लॉक में कन्वर्ट कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट एज ए ब्लॉक, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर देना है। ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी कर दिया एंटर, और इसके बाद यहाँ पे जाना है पेस्ट एज ए ब्लॉक में। और कहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ गया है, ये रहा हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमने कॉपी किया था, और ये रहा हमने पेस्ट किया पेस्ट एज ए ब्लॉक। तो ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अभी इसको आप बार बार यूज़ करना है तो आप आई एंटर भी कर सकते हो, या तो आई एंटर करके भी आप ऑब्जेक्ट को ला सकते हो। कहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट को आप बार बार यूज़ भी कर सकते हो। और जो पेस्ट एज ए ब्लॉक था उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। ओके फ्रेंड्स, अभी आप इंसर्ट करोगे तब आप यहाँ पे आप देखोगे कि जो इसका जो नेम है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, जो आपका ऑटोकैड है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है नेम, ओके। तो आपको उसको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हो, रीनेम एंटर, ब्लॉक में चले जाइए और जो भी आपका ब्लॉक है उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यू नेम देना है, सपोज मैं देता हूँ 1 2 और इसको कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे उसका जो नेम हो गया 1, ओके। और जब आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इसको आप इंसर्ट कर सकते, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक जनरेट कर रहा है तो उसको आप रीनेम भी कर सकते। चलिए दूसरा कमांड भी है हमारे पास, क्लिपबोर्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेस्ट स्पेशियल एंड दूसरा ऑप्शन है पेस्ट एज ए ब्लॉक हाइपरलिंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेस्ट स्पेशियल क्या है। इसके लिए हमको एक एक्सटर्नल फाइल चाहिए, सपोज एक्सेल फाइल हम ले लेते हैं या पेंट फाइल भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दो, जो आपके पास डेटा है, सपोज एक इमेज लानी है तो उसको कॉपी कर दीजिए, वर्ड की फाइल है उसको आप कॉपी कर सकते हो, एक्सेल की फाइल है वहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया और इसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑटोकैड के फाइल में और यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट स्पेशियल। जैसे मैंने पेस्ट स्पेशियल किया एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है और यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ कर सकते हो, एक्सेल फाइल में से कॉपी करके ला सकते हो, कोई पेंट फाइल है उसमें से ला सकते हो, ऑटोकैड फाइल है तो इसके अंदर से कॉपी पेस्ट करके ला सकते हो, इमेज ला सकते हो, टेक्स्ट ला सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कॉपी करके यहाँ ऑटोकैड के अंदर ला सकते हो। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दी है, इसको मैं कर देता हूँ ओके और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो वो टेबल एक्सेल का जो टेबल था वो आप यहाँ पे ला सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोबारा लाते हैं, दोबारा ऑप्शन था यहाँ पे वहाँ पे कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में चले जाए। तो हमने जो फर्स्ट लाए थे हम टेबल वो पेस्ट से लाए थे, अभी दूसरा टेबल है हम पेस्ट लिंक से लाते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। जो पहला टेबल लाए थे वो पेस्ट करके लाए थे और दूसरा टेबल लाए वो पेस्ट लिंक करके लाए थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके तो चलिए वापस चलते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में मैं यहाँ पे बेरिंग के जो मटेरियल हमने दिया है वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ
वहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांस। यहाँ पे आप देखिए जो हमने पेस्ट किया था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, जो हमारी बेयरिंग थी उसका मटेरियल था SS, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया है। और यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा टेबल हम लाए थे पेस्ट लिंक करके, वहाँ पे सब एक्सेल में मैंने कुछ भी चेंजेस आए मेरे तो मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ऑटो करके आपकी फाइल के अंदर भी चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे बेनिफिट आप ले सकते हो पेस्ट लिंक का, आपका कोई भी डेटा अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेल में आप चेंज करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सेव करोगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके तो चलिए दूसरा ऑप्शन में जाते हैं हम। दूसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, पेस्ट एज हाइपरलिंक। तो पेस्ट एज हाइपरलिंक में क्या होता है कि चलिए एक एक्सेल फाइल हम निकालते हैं और इसको यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन करते हो आपको उस टाइम कोई फाइल आपको ओपन करना है, ओके, जो कि प्रेजेंटेशन के टाइम आपको कोई फाइल ओपन करके उसका डेटा दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पे मैंने, मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो वहाँ पे मैंने ये इसको कॉपी कर दिया, ये मुझे प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो वहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया पेस्ट एज हाइपरलिंक, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और एंटर। ओके, तो ये जो ये ऑब्जेक्ट है आपका हाइपरलिंक वाला ऑब्जेक्ट है, उसको आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करोगे तो जो आपकी जो आपने हाइपरलिंक दी थी फाइल वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके सामने, तो आपका वो यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशन के टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका पेस्ट एज ए हाइपरलिंक। अभी आपने देखा ऑब्जेक्ट को पेस्ट कैसे करते हैं सेम कोऑर्डिनेट पे, पेस्ट स्पेशल आपने देखा और पेस्ट एज ए ब्लॉक कैसे करना है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज़।